हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। आई एम शशि भूषण और आप देख रहे हैं स्पार्क 2021 प्रेजेंटेड बाय एजुकेशन अकेडमी। ये आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स है ना, बढ़िया से पढ़िए। और इसमें लेक्चर 2 देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए। जो इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 डाल चुके हैं, आप यदि नहीं देखें तो उसको आई बटन में डाला हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट पूरे बने हुए हैं, है ना, सारे केमिस्ट्री पहले भी चैप्टर का और इस बार भी चैप्टर का, तो सारा चीज़ को देखें और समझें। और कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबके लिए बना हुआ है, तो सब अपना फ़ायदा उठाइए और सबको शेयर भी कीजिए, है ना, लाइक भी कीजिए, और ताकि अपना भी मोटिवेट हम लोग बना रहे हैं, है ना। वीडियो आपको बिल्कुल ही पसंद आने वाले हैं, चीज़ों को आप बढ़िया से कंसंट्रेशन से देखते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए फिर लेक्चर 2 शुरू करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पहले भी देखे थे, इस बार भी जो भी बचे खुचे टॉपिक्स हैं ख़त्म करते हैं और बात ख़त्म, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रहा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, है ना। इसमें हम लोग मेटल, नॉन मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे क्या होता है। जैसे कि हम लोग एसिड को हम लोग अलग अलग चीज़ों से करवाए थे, इसमें बेस को हम लोग अलग अलग चीज़ों को करवाएंगे, है ना। ये देख रहे हैं तो जैसे इसमें तो मैं नोट्स नहीं लिखा रहा हूँ, है ना। नोट्स आपको मिल जाएगा एजुकेशन अकेडमी ऐप जो हमारा है, उसमें आपको नोट्स डाला हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें से जितने भी सारे हम लोग चैप्टर पढ़ाते जाएंगे आपको नोट्स धीरे धीरे अवेलेबल करवाते जाऊँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो इसके लिए स्पेशल नोट्स है, बाकी तो बहुत जो भी डीपली नोट्स है वो तो उसमें है ही। तो नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, सर हमको नोट्स चाहिए, मैं वहाँ से नहीं ले पा रहा हूँ, है ना, समझ में नहीं आ रहा कैसे लें, तो आप है ना सीरियसली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो स्पार्क 2021 का बना हुआ है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो फिर बात करते हैं हम लोग, है ना, कि कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मेटल के साथ करवाते हैं। तो मेटल के साथ करवाएंगे तो ये ले लेते हैं आपका जिंक, ले लिए जी, ले लिए, और उसको NaOH के साथ हम लोग रिएक्शन करवा दिए, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिए। तो ये बनाता क्या है पता है, Na2ZnO2 बना लेता है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये तो बन गया और H2 बचा हुआ है ना, H2 निकाल देता है, रिलीज कर देता है, जाओ भाई निकलो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जब है ना मेटल रिएक्ट विथ बेस देन टू फॉर्म, है ना, ये भी एक प्रकार का हम लोग प्रिसिपिटेट सॉल्ट भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से है ना कि और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज कर देता है। उसके बाद रिएक्शन विथ नॉन मेटल करेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं कि CO2 ले लेंगे, ठीक है, CO2 ले लीजिए और NaOH, जिस प्रकार से HCl हम लोग उसमें ले रहे थे उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि NaOH जो है बहुत ही पावरफुल बेस हम लोग बोल सकते हैं, जो कि हर एक चीज में काम आ जाता है, इसीलिए हम लोग NaOH का ही एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। इसी चीज को आप याद रख लीजिएगा, और भी एग्जांपल है उसमें, आप उसमें से नोट्स में से देख लेंगे। तो CO2 जो है NaOH के साथ करता है तो क्या बना लेता है, ये सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, NaOH था यहाँ पर, इसलिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना लेता है। और फिर से H2O रिलीज कर देता है, क्या करता है जी, H2O रिलीज कर देता है Na2CO3 बना करके, सॉरी कार्बोनेट बना लेता है जी, क्या करता है, कार्बोनेट बना लेता है, है ना, हाँ ये सही है। और जो भी आप रिएक्शन लिखेंगे ना उसका नेमिंग कर देंगे, एग्जांपल के तौर पे जब लिखेंगे तो उसको नेमिंग कर देने से क्या होगा ना कि आपको और बेटर मार्क्स मिल सकते हैं, इसलिए नेमिंग करना भी जरूरी होता है। और एक बात का ख्याल रखें कि कभी भी रिएक्शन का एग्जांपल दें तो आप उसको बैलेंस जरूर कर दीजिएगा, इन दो बात का ध्यान रखेंगे, है ना, इसमें से मार्क्स मिलने का जो अच्छा चांस मिलता है, ये क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट हो जाएगा, ठीक है ना, सोडियम जिंकेट बोल देते हैं इसको। तो इस तरीके से हम सबके नाम लिखते जाएंगे, है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल बोला था ना, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ही होगा। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड, जो कि हम लोग के लिए है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग समझ सकते हैं रिएक्शन विथ एसिड को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन, है ना, क्या होता है ये, न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसके कारण से इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं। कैसे हो जाता है न्यूट्रलाइज अभी देख लेंगे। तो क्या मिलेगा आपको कि एक बेस ले लेते हैं जो क्या होगा, NaOH होगा, है ना, और उसमें एसिड मिला देंगे तो HCl होगा, दोनों बोले थे ना अभी, दोनों ही एक दूसरे का
कट्टर दुश्मन है ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये अपना देश का ये बादशाह है और ये अपने देश का बादशाह है, मतलब यदि हम लोग बेस का बात करें तो ये सबसे पावरफुल होता है, एसी में ये सबसे पावरफुल होता है ना काम करने के लिए। तो ये NaOH और HCl का यदि हम लोग ले लें तो ये क्या बना देता है जी, NaCl, एक दूसरे से लेकर के भागना शुरू करेगा ये, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं। और HOH बना सकता है H2O बना दिया, मतलब कि यहाँ पर सॉल्ट निकल गया, ये सारी चीजें सॉल्ट ही निकलता है ना, सारी चीजें सॉल्ट ही निकलता है। तो NaOH HCl तो क्या बना दे रहा है जी, NaCl बना दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि Na यदि हम लोग सॉल्ट का डेफिनेशन लिखें तो यही इसी का डेफिनेशन लिखते हैं कि वैन स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना रिएक्ट विद अदर देन टू फॉर्म ए सॉल्ट, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो यही सॉल्ट का डेफिनेशन भी हो जाएगा और इस तरह के सॉल्ट हम लोग को मिल भी जाता है, तो इसी बात का ख्याल रखेंगे। और हम लोग को साथ साथ में वाटर भी रिलीज कर देता है और इसी चीज़ को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब भी आपको पूछेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताइए तो आप इसी चीज़ को बता दीजिएगा। सो एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, समझ गए ना, ये आपका बेस हो गया और ये एसिड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी खत्म हो गया और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी हम लोग शॉर्टकट में कर लिए हैं, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो गाइज जानते हैं पीएच स्केल के बारे में, तो आप ऐसा समझ लीजिए ना कि पीएच में जो पी दिख रहा है ना ये स्मॉल पी होगा कैपिटल एच होगा, पीएच स्केल को ऐसे दिखाता है, कभी भी लिखेगा पीएच तो ऐसे लिखेगा, है ना। पीएच स्केल जो दिखा रहे हैं इस पी का मतलब मालूम है आपको, पोटेंस होता है जो लेटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है पावर। तो आप ये जान लीजिए इस चैप्टर में किसका पावर दिखाएगा जी, बाहुबली का और ग्रेट खली का तो दिखाने वाला है नहीं, मतलब दिखाएगा एच प्लस आयन का, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है उसमें, किसी भी सॉल्यूशन में कितना एच प्लस आयन कंसंट्रेशन है उसी चीज को ये क्या करता है, मीजर करता है। मतलब ए स्केल फॉर मीजरिंग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, है ना, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन को मापता है एक सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या मापता है जी, एच प्लस आयन का, है ना। और इस स्केल में मालूम होगा जैसे हम लोग की बचपन में देखते हैं, मतलब कि जो हम लोग जनरल रूलर यूज करते हैं मैथ में, वो कितना से कितना होता है, या तो 15 सेंटीमीटर लेते हैं 13 सेंटीमीटर लेते हैं, इस तरीके से देखते हैं। लेकिन इसमें जो होता है रेंज होता है 0 to 14 होता है, 0 to 14। आप इसको दो भाग में बांट दीजिए, एक टू लिख लीजिए 0 to 7 और 7 to 14, ठीक है। तो 0 to 7 यदि आपका कोई भी रेंज देता है, कोई भी सोल्यूशन आपको ये बताता है 0 to 7 में, और ये कलरफुल होता है जी, अलग अलग कैटेगराइजेशन में कलरफुल बांटा हुआ होता है, है ना। आप देखेंगे नोट्स में आपको कलरफुल दिए हुए हैं स्केल, जिसमें आपको पता चलेगा अलग अलग कलर से ये कैटेगराइज होता है। और 0 to 7 यदि आता है तो आप उसको समझिएगा कि ये बेस नेचर मतलब एसिड नेचर है, 0 to 7 आएगा तो क्या आएगा, एसिड नेचर दिखाएगा, और 7 to 14 आएगा तो वो बेस नेचर दिखाएगा, समझ रहे ना। और इसी चीज को यदि हम लोग 7 बोल देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे वाटर लीजिएगा ना तो वो न्यूट्रल दिखाएगा, मतलब 7 में आएगा, 7 चढ़ेगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीजें उसमें आपको नहीं दिखाएगा, मतलब ना एसिड दिखाएगा ना बेस दिखाएगा न्यूट्रल वाले में। यदि बात करते हैं सॉल्ट का, एसिड तो हो रहा है बेस हो रहा है, सॉल्ट कैसे पता चलेगा, तो सॉल्ट जो बनता है ना, कभी कभी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, कभी वीक बेस ले लेते हैं, तो जिसका ज्यादा पावर होता है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो वो एसिडिक सॉल्ट बना देगा, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो बेसिक सॉल्ट बना देता है, और उसी हिसाब से यदि एसिडिक सॉल्ट है तो वो 0 to 7 के बीच में आएगा, मतलब 7 का थोड़ा सा नीचे आएगा, और ये यदि बेसिक सॉल्ट बनाएगा तो बेस से थोड़ा सा, है ना, 7 से थोड़ा सा ऊपर आता है, सब बात समझ रहे हैं ना। तो इसी कारण से हम लोग उसे एसिडिक सॉल्ट और अपने पता चलेगा, वो नमकीन आएगा, थोड़ा सा सॉल्टी लगेगा यदि आप टेस्ट करेंगे तो, या फिर जब बनाएंगे तो एसिडिक एसिड और बेस से यदि मिलकर के बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो सॉल्ट ही बनता है, और इस हिसाब से हम लोग उसको एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे और बेसिक सॉल्ट बोलेंगे, तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा इधर थोड़ा सा कम आएगा तो वो सॉल्ट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए फिर एसिड बेस, है ना, एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट यदि रहेगा तो 7 के बराबर इक्वल आ जाएगा, इस प्रकार से हम लोग सॉल्ट के बारे में जान सकते हैं। तो ये था पीएच स्केल, ये भी एक प्रकार इंडिकेटर है जो एसिड और बेस को बताता है, बाकी हम लोग तो और भी इंडिकेटर्स देखे ही थे, ठीक है। तो चलिए बाकी जो रेस्ट बचे हुए हैं हम लोग का, कुछ कॉमनली यूजिंग सब्सटेंसेस हैं उसके बारे में जानते हैं। तो गाइज जो हमारे पास बचे कुछ टॉपिक्स हैं उसको हम लोग इस तरीके से ख़त्म कर लेते हैं PPT में, ताकि वो आप जो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आए क्लियरली आपको पता चलेगा, ठीक है। बोर्ड में तो उतना कम समझ में आता है, इन सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे रहेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं
जो भी हम लोग के बचे हुए हैं। सबसे पहले बचा हुआ सिमिलरिटी देखेंगे एसिड एंड बेसिस में कि क्या सिमिलरिटी बिटवीन रहते हैं, और डिफरेंसेस बिटवीन देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी के साथ साथ डिफरेंस भी देखेंगे। फॉर्मेशन यूजेस केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमनली यूज सब्सटेंसेस, जो हम लोग के पास सब्सटेंस हैं कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग कम यूज़ करना चाहिए। जितना भी केमिकल कम यूज़ करेंगे उतना ही आपको फायदा होता है। तो क्या क्या सब्सटेंसेज हैं हम लोग जो यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी देख लेते हैं कि इसमें सिमिलरिटी क्या है। तो पहला सिमिलरिटी देखेंगे कि ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दोनों ही एसिड्स और बेसिस दोनों ही रिएक्ट करता है, और ये क्या करता है आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी, वाटर में। और भी देखेंगे तो बोथ एसिड्स एंड बेसिस एक्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्या करता है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह मतलब कि बिहेव करता है ना, और सो ये क्या होता है कि गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, समझ गए ना। और तो इस बात का भी आप जान सकते हैं कि इसमें ये सिमिलरिटी है, दोनों ही जब पानी में मिल जाता है तो एच प्लस और ओ एच माइनस देता है ना, तो दोनों ही क्या है इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करेगा, ये आयन है ना, तो जब पानी में आयन आ जाएगा या फिर सोलूशन में आयन आ जाएगा तो जब इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करेगा ही, आने जाने देगा ही, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम चेंजेस द कलर, और क्या करते हैं दोनों ही दोनों चेंज कलर करते हैं, किसका, लिटमस पेपर का, देखते हैं ना रेड ब्लू ब्लू रेड हो रहा था, तो इस प्रकार से हम लोग देख बोल सकते हैं कि लिटमस पेपर का जो कलर का क्या करता है ये चेंजिंग कर देता है, ठीक है। चलिए सिमिलरिटी बात थी, आप जब कंपैरिजन देखते हैं डिफरेंस देखते हैं तो सबसे पहले एक के पास चार्ट दिख रहा होगा है ना, आप इसका इसमें शॉर्ट ले लें जब भी आप काम कर रहे होंगे तो। और चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें कि ये टेस्ट में क्या होता है, खट्टा होता है और ये टेस्ट में कड़वा होता है ना, सोर होता है और ये बीटर होता है, इस हिसाब से ये दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी, इसमें सोर है इसमें बीटर है। इसलिए अब इसमें यदि डिफरेंस देखें तो आपको क्या दिख रहा है, ये एच प्लस आयन देता है और ये ओ एच माइनस आयन देता है, किसमें, पानी में मिलकर वाटर सोल्यूशन जब बनाते हैं तो ये क्या देता है ओ एच माइनस देता है और एच प्लस देता है। ये जो जब हम लोग बेस बता रहे थे, प्रॉपर्टी जब बता रहे थे कि, तो ये तो साफ बात हमको बता ही दिया था कि एच प्लस कैसे देता है आयन कैसे देता है। और ये क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस है कि रेड को ब्लू कर दिया, ये ब्लू को रेड कर दिया, तो ये चीज़ें डिफरेंस है। फोर्थ नंबर में देखेंगे तो रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, ये क्या करता है एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन कर जाता है, यानी सोडियम, ये पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, इन सारे चीज़ों से ये रिएक्ट कर जाता है, मतलब कि इस चीज़ से मैंने कि जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल रिएक्टिव ये होता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मतलब क्या है कि ये रिएक्ट करने वाले में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मतलब अपने आगे इसको किसी को और चीज़ को रिएक्ट नहीं करने देगा, यही जो भी चीज़ बनाना रहेगा ये खुद बना लेगा, लेकिन एसिड जो है इसके साथ ज़्यादा रिएक्ट, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इस सब को क्या कर पाता है डिस्प्लेस कर पाता है, मतलब रिएक्ट कर पाता है इससे, लेकिन जो आपका बेस होता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए डजनट रिएक्ट करता है, किसके साथ, जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, इन सब के साथ उतना ज़्यादा, इन सब के साथ क्या होता है कि रिएक्ट कर पाता है, लेकिन इन चीज़ों के साथ रिएक्ट वो नहीं कर पाता है, जिंक, एल्यूमिनियम, ऐसा वो थोड़ा सा क्या होता है कि कम पावरफुल होता है, लेकिन बाकी जो सोडियम आपको इसमें जो इस तरफ जो एग्जांपल जितने भी दिए गए हैं वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये कम लेस रिएक्टिव होता है, तो जिस कारण से इनसे क्या होता है कि वो रिएक्ट कर पाता है, बाकी उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है बेसिस, ठीक है जी। तो फिर आगे देखते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज डिसअपीयर, जब एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है ये ख़त्म हो जाता है, किनका, किनके प्रेजेंस में, बेस के जब रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तब ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब बताया गया था तो आपको एसिड और बेस का रिएक्शन बताया गया था कि नहीं, तो एसिड को जब हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है उसका प्रॉपर्टी एसिड का, और बेस में जब देते हैं तो बेस में एसिड मिलाते हैं ताकि उसका प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए, तो बेस में जब एसिड मिलाते हैं तो उसका प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाता है, एसिड में बेस मिलाते हैं तो ये भी डिफरेंसेस हुए, है कि नहीं, न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको समझाया गया था। रिएक्ट विथ कार्बोनेट, जब एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वह क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ये क्या बना देता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइडों को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बोनेट बना लेता है, तो ये चीज़ें आप कैसे बनाता है आप वहाँ पर रिएक्शन जाकर के केमिकल प्रॉपर्टी जब बेसिस और एसिड का जब बताया गया होगा तो आप कार्बोनेट वाला रिएक्शन विथ कार्बोनेट वाला देख लीजिएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया था, और इसमें रिएक्शन विथ नॉन मेटल जब देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कार्बोनेट कैसे निकला है। तो चलिए एसिड में देखेंगे फिर सेवेंथ नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका, कि यदि आप इसको देखेंगे
तो ये हाईली कोरोजिव होता है ना, मतलब कि आपके स्किन को ये खराब कर देता है, कौन एसिड। लेकिन बेसिस उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है कि हमारी स्किन को जला पाए या फिर खराब कर पाए। ये अब इसको छुएंगे तो ये स्लिपरी होता है, मतलब फिसला उसला थोड़ा सा लगता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसका यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग साबुन वगैरह बनाते ही हैं इसके कारण से, बेसिस के कारण से, और हम लोग देखते हैं कि साबुन तो हम लोग स्किन में लेते ही हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है और बेस आपका इफेक्टिव ज़्यादा नहीं है। तो पीएच वैल्यू आप क्या होता है कि एसिड का वो 7 होता है, लेकिन बेस का यदि हम लोग बात करें तो 7 से ज़्यादा होता है और ये 7 से कम होता है, लेस देन 7 होता है और ये ग्रेटर देन 7 होता है। कितना 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर में आप यदि इसको देखेंगे तो इसका पीएच वैल्यू बेस का 7 से ज़्यादा होता है और एसिड का 7 से कम होता है। इस प्रकार से हम लोग सारे डिफरेंसेस देख लें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे कॉमनली यूजिंग सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, कॉमनली यूजिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने कामों में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इसलिए कम ही यूज़ करिएगा कभी भी केमिकल सब्सटेंसेस को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो परेशानी देता ही देता है। और सबसे पहला है कास्टिक सोडा, जिसमें से हम लोग केमिकल नेम यदि हम लोग उसको जानते हैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और हम लोग घर में जो कॉमन नेम से इसको क्या जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम लोग का साबुन वगैरह बनाने में काम आता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो सोडियम है यहाँ पर और उसके साथ सोडियम का एन ए हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड का OH हो जाएगा, जिस कारण से ये एन ए OH फॉर्मूला बन गया इसका। इसका मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो ये कैसे बनता है, देखिएगा ये NaCl दिख रहा है ना, NaCl को क्या किया जाता है, H2O के साथ मिला जाता है, पानी के साथ मिला जाता है, तो NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्लोरीन गैस निकालता है और H2 गैस हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं ये NaCl को जब पानी मिला दिए तो NaOH बन गया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एन एक्वास सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब हमें सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करना होगा जी, है ना, ये जरूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ पानी में मिला देंगे तो ये बन जाएगा, मतलब उसमें आपको देना ही पड़ेगा क्या, ये इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइट करना होता है उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग ये चीज़ को निकाल पाते हैं NaOH को जब हम लोग पानी में मिला देते हैं। तो क्या यूजेज देखते हैं कि यूजेज क्या है, डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, हम लोग जब मेटल्स में ग्रीज लगा देते हैं ना कुछ काम के लिए, फिसलन के लिए, जब जो खराब ना हो जंग ना लगे तो हम लोग ग्रीज लगाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसमें है ना गंदा जम जाता है या फिर उसको साफ करना होता है, डिग्रीजिंग करना होगा, तो अब इसमें कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। और सॉप एंड डिटर्जेंट पाउडर हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें भी ये केमिकल का यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब आप समझ रहे हो ना, सोडियम को हम लोग रोज अपने शरीर में लगाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो सोचिए कि अपने शरीर को हम लोग नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC है ना, सिंथेटिक फाइबर वगैरह जो बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, जब हम लोग पेपर जहाँ पर बनता है उस जगहों में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं काफ़ी यूजेज हैं आपके कास्टिक सोडा का, लेकिन ये सारे के सारे केमिकली यूजेज हैं, ठीक है जी। अभी हमारा ब्लीचिंग पाउडर, अब क्या है जी ब्लीचिंग पाउडर, है ना, देखते ही हम लोग घर में तो यूज़ करते ही आप लोग नाली वाली में देने के लिए। तो केमिकल नेम इसका हो जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना, और जिस कारण से इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो कैल्शियम के लिए CA आ जाएगा और ऑक्सी क्लोराइड के लिए OCl2 आ जाएगा, तो ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाता है इसका केमिकल फॉर्मूला। यदि मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है और कैल्शियम क्लोराइन को मिला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर के क्लोरीन को मिला देते हैं तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है और H2O भी साथ में निकाल देता है, मतलब व्हेन क्लोरीन गैस इज फ्लोड एट 313 केल्विन, जब आपको 313 केल्विन में आपको इतना हीट दे करके उसके साथ है ना मिलाया जाएगा, उसका टेम्परेचर उतना होना चाहिए और उसी समय उसको मिला देंगे, है ना, क्वेंस्ड लाइम कहने का मतलब यही हुआ CaOH2, तब हम लोग को क्या बनता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है जी। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग। अब यदि यूजेज का बात करें तो एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ टू क्लीन वाटर, हम लोग को क्या किया जाता है वाटर को क्लीन करने के लिए भी ये सारी चीज़ें होती हैं, मॉस रिमूवर होता है ना, मॉस को हटाने के लिए भी होता है, और वीड किलर्स, है ना, बहुत सारे ऐसे जो भी हम लोग देखते हैं ना कि मान लीजिए कि बीजों में वगैरह वगैरह बहुत सारे पौधों में जब हम लोग कीड़ा वड़ा लग जाता है
तो उस समय भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी यूजेज हैं, ऐसा बात नहीं है कि इतना ही है। फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, जब कॉटन वगैरह को, कपड़ा वगैरह को सेफ रखने के लिए भी हम लोग करते हैं। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, क्या बोले ना, पेपर को क्या लकड़ी वगैरह से, बहुत सारे ऐसे पौधों से बनाया जाता है, ठीक है, तो उनको सेफ रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं। मतलब कि कुछ भी जो हो, जो भी एनवायरनमेंट में हम लोग का जो बैक्टीरिया है वगैरह से बचने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, बेकिंग सोडा का यदि हम लोग बात करें तो कैसे होता है, ये देखिए केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम हम लोग बोलते हैं वो सोडियम का बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और केमिकल फॉर्मूला उसी तरीके से देखेंगे तो सोडियम का हो गया Na, बाइकार्बोनेट का SCO3, जिसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको लिख दिया गया है ना, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। इस प्रकार से बात है केमिकल फॉर्मूला का। और मैन्युफैक्चरिंग मेथड हम लोग देखें तो इसमें क्या आएगा कि NaCl को हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और फिर CO2 के साथ करवाते हैं, और NH3 के साथ। NaCl को हम लोग वाटर में मिला करके फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, फिर अमोनिया देंगे, तब हम लोग को मिलेगा NaHCO3, बेकिंग सोडा। उसके बाद साथ साथ ही NH4Cl भी निकाल देता है। क्या निकालता है जी, NH4Cl भी निकाल देता है। ठीक है, और भी हम लोग एक तरीके से बना सकते हैं, वो देख लीजिएगा। लेते हैं Na2CO3, क्या ले लेंगे जी, Na2CO3 ले लेंगे, और उसमें हम लोग क्या मिला देंगे, H2O मिला देंगे, मतलब उसको पानी में मिला देते हैं। ठीक है, और जैसे NH3 हम लोग दिए थे तो NH3 ना देकर के हम लोग सिर्फ खाली प्लस करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि खाली CO2 दे दीजिएगा, तो खाली CO2 देने से ही मतलब NH3 इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। सोडियम कार्बोनेट यदि आप लेते हैं तो उसमें हम लोग को ये NH3 देने की जरूरत पड़ता है, NaHCO3 हम लोग को डायरेक्टली मिल जाता है, और इसमें हम लोग को ये दूसरा जो प्रोडक्ट हम लोग NH4Cl दिया इसमें वो भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग दो तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो व्हेन CO2 एंड NH3 गैसेस आर पम्प्ड इनटू एन एक्वा सोल्यूशन, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 जब मिला देंगे, है ना, एक्वा सोल्यूशन मतलब कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब कि पानी मिलाए हुए मैंने सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में यदि मिला देते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है आपको। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे कैसे हम लोग इसको बना पाते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं यूजेज के बारे में। यूजेज देखिए, देखें आप तो मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज़ यूज इन कुकिंग, जो हम लोग पकवान वगैरह जैसे बनाते हैं, कुछ फूड वगैरह जैसे फ्राई फूड बनाते हैं ना, तो देखते हैं ना कि हम लोग उसको ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, या फिर कुछ भी हम लोग तल के जब खाते हैं कोई भी चीज़ को, है ना, पकौड़ी वगैरह समोसा जब खाते हैं तो आप लोग देखते ही होंगे कि बेकिंग पाउडर उसमें मिलाया जाता है। घर वगैरह में जब बनाते हैं उस समय देखेंगे तो वो चीज़ क्या होता है, यही इतना सारा चीज़ उसमें मिला होता है। सोचिए NaCl, H2O, है ना, CO2, NH3, ये सारी चीज़ों से मिल करके बना होता है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग खाते हैं उसको तो कितना प्रॉब्लम होता है। ठीक है जी, यूज्ड एन एज एन एंटीसिड, है ना, वो हम लोग को एसिड को जैसे ज़्यादा अम्लता हो जाता है, पेट दर्द कर रहा है ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसको, है ना, खा सकते हैं एक अपने तरीके से, है ना, तो एंटीसिड का भी काम करता है, और भी काम करता है, जैसे क्लिंजिंग ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर, जैसे सिल्वर में कभी कभी क्या होता है कि काले काले परत बैठ जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, किसका, ये बेकिंग सोडा का, है ना। और एक यूज है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर मतलब आग उग लग गया तो उसमें आप वो पाउडर छिड़क देते हैं तो वो क्या हो जाता है जी, वो आग जो है नॉर्मल आ जाता है, बुझ जाता है, क्योंकि इसमें CO2 गैस मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये बात थी हम लोग का बेकिंग सोडा का। अब बात करते हैं आगे कि क्या मिलता है। वाशिंग सोडा देख लीजिए, लास्ट है आपका वाशिंग सोडा, इसके बारे में तो सभी को जानते हैं वाशिंग सोडा क्या है, धोने वाला सोडा, खाफ साफ साफ दिख ही रहा है वाशिंग सोडा मतलब। तो वाशिंग सोडा बोले तो सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है जी, सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसका यदि आप लोग फुल नेम देखें तो Na2CO3.10H2O, मतलब इसमें H2O का मात्रा होता है, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, यदि आपको नाम जानना है इसका कैसे पढ़ा, तो सोडियम से Na हो गया और कार्बोनेट का CO3, इस प्रकार से नाम पड़ गया। मैन्युफैक्चरिंग मेथड देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि NaCO3 था,
NaHCO3 को क्या किया गया, इलेक्ट्रोलाइट किया गया, मतलब तोड़ा गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं NO2CO3 प्लस CO2 और हाइड्रोजन, मतलब कि वाटर मिल गया। तो ये सोडियम कार्बोनेट हमको, सोडियम कार्बोनेट मिल गया हम लोग, वाशिंग सोडा मिल गया। तो सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, इसको क्या करते हैं, हीट किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो वाशिंग सोडा हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। और फिर क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, NO2CO3 को फिर हम लोग कर लिए तो क्रिस्टलाइज कर लिए, तो हम लोग NO2CO3.10H2 पूरी तरीके से जो एक्चुअल हम लोग का सब्सटेंसेस था वो हम लोग को मिल गया है। चलिए फिर आगे देख रहे हैं यूजेज, यदि हम लोग बात करें तो सभी को मालूम है मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केंग एंड पाउडर, है ना, साबुन और जो डिटर्जेंट पाउडर बनाते ही हम लोग, है ना, धोने वाला जो पाउडर हम लोग का आता है कपड़ा धोने के लिए, वो चीज़ें इसी से बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट से। और क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ जो काम आता है कपड़ा धोने के लिए, यही चीज़ का काम आता है, है ना। पहले डायरेक्टली ये चीज़ें मिल जाती थी हम लोग, आज नाम दे दिए हैं साबुन और आपका डिटर्जेंट पाउडर, लेकिन पहले तो ये सीधा सीधा हम लोग इसको बोलते थे धोने वाला सोडा, सिर्फ गांव गांव में पहले बोलता होगा सोडा सोडा, तो ये चीज़ रहता था। आगे है ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी ये वाशिंग सोडा का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में। और रिमूवल ऑफ सेलिनिटी फ्रॉम सेलिन वाटर, सेलिन वाटर में, है ना, यदि हम लोग को सेलिनिटी हटाना है तो भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें थी वाशिंग सोडा का। तो आप देख रहे हैं ना, जितना भी हम लोग सोडा सब्सटेंसेस केमिकल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं सोडियम तरीके किसी न किसी तरीके से मौजूद है। तो सब के सब जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली, मतलब डेली लगभग में यूज होता है, तो ये जो है कितना खतरनाक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये बात आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। अब बात है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही काम का चीज़ होता है, है ना, क्योंकि हड्डी टूटा तो सीधा सीधा बात है, इसी से काम किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं इसको जी, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो जितने भी सब्सटेंसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत ही हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फार्मूला देखेंगे तो CSO4.5H2O, यही फार्मूला लिखना है आपको केमिकल फार्मूला में, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग मेथड का बात करें, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, जब ये जो होता है ये जिप्सम होता है, ये क्या होता है जी, जिप्सम, और उसको हम लोग 373 केल्विन में हीट करते हैं, क्या करते हैं जी, 373 केल्विन में हीट करते हैं और उसको हम लोग ये बना लेते हैं। चलिए तो ये था यूजेज, अब देखते हैं मेकिंग ऑफ, मेकिंग स्मूथ सरफेस, जो भी हम लोग बोलते हैं ना पुट्टी करवाना है घर का, जो दीवार में देखते हैं पुट्टी मरवाना है, तो वो चीज़ होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जो पाउडर आपको आता है ये POP ही होता है, जिसको हम लोग घर में जो लगाते हैं स्मूथ करने के लिए, जो सरफेस को स्मूथ करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद यूज्ड एज फायर प्रूफिंग, है ना, मटेरियल, जो भी हम लोग का आग में नहीं जलने के लिए जो यूज करते हैं, वो जो भी मटेरियल हम लोग को बनाना होता है इसी चीज़ से हम लोग बनाते हैं। फिर मेकिंग टॉयज, खिलौना बनाने के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए, चीप ऑर्नामेंट्स, है ना, कुछ है ना थोड़ी मोड़ी, जैसे हम लोग चाइना वाला जो सामान हम लोग जैसे समझ सकते हैं कि बनाने के लिए, है ना, जो थोड़ा मोड़ा खराब वस्तु बनाने के लिए भी, है ना, जो भी चीज़ें यूज होती हैं इसी का यूज होता है, स्टेजू बनाने के लिए, और यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बॉन्स, है ना, जब हम लोग हड्डी वगैरह टूटता है तो देखते हैं ना डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, बोलते हैं ना प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर नहीं होता है, प्लास्टर होता है, क्यों होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है इसलिए प्लास्टर होता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी, हम लोग बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का देखें, कॉमनली यूज भी हम लोग क्यों क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो सारा चीज़ें देखें। तो अगले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस हम लोग इसमें से इम्पोर्टेंट थोड़ा थोड़ा सा कर लेंगे। तो चलिए थैंक्स ये आपको वीडियो देखने के लिए, और इस तरह से देखते रहिए, आप सारी चीज़ों को सीखते रहिए, हम लोग रेगुलरली काम करते जा रहे हैं आपके लिए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।